हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार गुप्ता। मेरे पाइथन सीरीज के 8वें लेक्चर व्हाइल लूप इन पाइथन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब टॉपिक है व्हाइल लूप, काउंट अप एंड काउंट डाउन, इफ एल्स स्टेटमेंट विथ व्हाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप और अंतिम में टेस्ट और स्किल्स, जिसमें कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका आंसर हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इससे पहले अगर आपने सी या जावा में अगर आपने व्हाइल लूप देखा होगा, बस व्हाइल लूप जो वहाँ देखा था सी जावा में, वही चीज़ यहाँ। अगर आप कोई नए हैं जो कि व्हाइल लूप नहीं पता, तब भी कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है व्हाइल लूप। अ व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो हमारा व्हाइल लूप क्या होता है, एक लूप है, एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होते रहता है लगातार, और तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा कुछ उसमें जो कंडीशन है वो ट्रू हो। आप इसका फ्लो डायग्राम भी देख सकते हैं। हमारा कोड इधर से आया और हमारे कंडीशन चेक हुआ। हमारा कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमारा कंडीशन कोड में गया या फिर हमारा कोड ब्लॉक में गया, और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक हुआ, फिर से हमारा कोड ब्लॉक में गया, फिर से कंडीशन चेक हुआ, और अगर फॉल्स हुआ तो हमारा वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। इसका हम पहले एक एक्स वेरिएबल लिख रहे हैं, इसको में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल एक्स इज लेस देन 5 कोलोन प्रिंट हाय या हेलो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के पहले एक इंडेंटेशन दिया है। इसका मतलब ये होता है, इंडेंटेशन देने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो ये हमारा व्हाइल लूप के अंदर का है। मैं एक एंड भी लिख देता हूँ, एंड। तो इसमें आप देख सकते हैं इस लाइन में हमारे कोई इंडेंटेशन नहीं है प्रिंट फंक्शन के पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन हमारा व्हाइल लूप के अंदर का नहीं है। तो एक और चीज़, इसमें हमको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है, जैसे कि ये हम लोग आगे भी देखेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा x = x + 1। तो चलिए इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा हेलो 4 बार प्रिंट हुआ यहाँ पे, और अंतिम में इंड, क्योंकि ये व्हाइल लूप का पार्ट नहीं था। जैसे ही लूप हमारा ब्रेक होगा उसके बाद हमारा इंड प्रिंट हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ क्यों हुआ आखिर ऐसा। हमारा इनिशियल में एक्स क्या था, एक्स का वैल्यू 1। अब हमारा व्हाइल लूप में चेक किया गया क्या यह कंडीशन ट्रू है, क्या एक्स हमारा 5 से छोटा है, तो जी हाँ 1 हमारा 5 से छोटा है, ये हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारा एक्स का वैल्यू को 1 से बढ़ाया गया, मीन्स एक्स यहाँ पे मेरा 1 था, अब उसमें एक और जोड़ा गया तो एक्स अब हमारा 2 हो गया। तो अब 2 होने के बाद फिर से हमारा कंडीशन चेक होता है यहाँ पे, क्या हमारा एक्स का वैल्यू 5 से छोटा है, तो उसके बाद फिर से हमारा कंडीशन ट्रू होता है, तो फिर हेलो प्रिंट हुआ। फिर अब हमारा एक्स यहाँ पे चूंकि 2 है, प्लस 1 करें तो एक्स का फाइनलाइजेशन हमारा हो रहा है 3। फिर से एक्स का वैल्यू हमारा चेक हुआ, फिर से हेलो प्रिंट हुआ, अब हमारा एक्स का वैल्यू हो गया 4। और फिर से हमारा कंडीशन चेक हुआ, फिर से हेलो प्रिंट हुआ, ये चौथी बार। फिर से हमारा एक्स का वैल्यू अब हो गया 4 + 1 यानी 5। अब क्या 5 हमारा 5 से छोटा है, नहीं, 5 होना 5 से छोटा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये लूप ब्रेक हो गया, तो हमारा बाहर में आ गया यानी प्रिंट इंड, तो हमारा इंड प्रिंट हो गया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे भी देखेंगे और, तो चलिए देखते हैं काउंट अप एंड काउंट डाउन। अगर हम लोग को समझिए, अगर मैं बोल दूँ कि आप 1 से लेके 5 तक आप प्रिंट कराओ, तो अगर आप प्रिंट फंक्शन ले लेके अब 5 बार अगर आप लिखे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, उससे अच्छा हम लोग इसके लिए लूप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ अभी 5 तक प्रिंट कराओ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ x लेस देन इक्वल टू 5, ताकि हमारा लूप जो है वो 5 बार रन करे। अब हम क्या करेंगे, x को प्रिंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैं x को प्रिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम काउंटिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि 1 इनिशियल उसमें है, इनिशियल वैल्यू है x में, तो चूंकि ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो प्रिंट x मतलब कि ये 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद फिर से कंडीशन ट्रू होगा,
फिर यहाँ पे प्रिंट होगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अब 2 रहेगा, फिर से हमारा इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। उसी तरह अगर हम इसको रन करते हैं तो आप आउटपुट देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इसको अगर हम 10 करें तो ये 10 बार भी प्रिंट होगा। इवन अगर हम यहाँ पर अगर हम चाहें कि हम 3 से प्रिंट करना चाह रहे हैं 5 तक, तो ये 3 से 5 तक प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं 3, 4, 5। उसी तरह अगर काउंट डाउन में जाना है तो आप अगर हमको हम चाहते हैं कि 1 तक प्रिंट हो 5 से, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस चेंज करना है x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे x इक्वल्स टू x माइनस 1। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कंडीशन चेक होगा। तो क्या कंडीशन हमारा अगर ये ट्रू है, क्या ये 5, अभी तो हमारा x 5 है, क्या ये 5 0 से बड़ा है? जी हाँ ट्रू, तो ये 5 प्रिंट करेगा। अब x का वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस 1 होगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4, तो x में क्या चल जाएगा 4। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या हमारा ये कंडीशन ट्रू है? तो फिर से ये प्रिंट होगा, जहाँ अगर ट्रू हुआ फिर से प्रिंट होगा, ये फिर से नेगेटिव होगा, तो अब मेरा 3 हो जाएगा वैल्यू। उसी तरह हमारा ये तब तक होगा अगर जब तक ये 0 ना हो जाए। तो जहाँ अगर मान लीजिए 1 पे गया, प्रिंट 1 हुआ और उसके बाद x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अब x में हमारा क्या चल गया 0, तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 0? नहीं, फॉल्स होगा, तो ये बाहर हो जाएगा, तो यानी इंड में हो जाएगा, इंड में चल जाएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट विथ व्हाइल लूप। इफ एल्स स्टेटमेंट विथ व्हाइल लूप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग व्हाइल लूप के अंदर इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ करते हैं इसके ऊपर भी। हम यहाँ पे कहते हैं x लेस देन 5, x इक्वल्स टू 1, और कुछ हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो लिखते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 3, देन प्रिंट ग्रेटर देन 3। उसी तरह एक एल्स लगाते हैं इसको प्लस 1। उसी तरह इसी व्हाइल लूप के अंदर ही हम एक एल्स लगा रहे हैं और उसमें लिखते हैं प्रिंट लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 3। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं जब भी ये जब मेरा लूप जब शुरू हुआ, ये 1 से शुरू हुआ, तो चूंकि हमारा x का वैल्यू 1 था, तो ये पहले मेरा कंडीशन चेक होगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 5। अब यहाँ पे कंडीशन जाएगा, ये कंडीशन चेक होगा इफ x इज ग्रेटर देन 3, तो नहीं, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये else ब्लॉक का कोड रन होगा। तो else ब्लॉक का कोड हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3, तो हमारा आउटपुट ये हुआ। उसी तरह अगर हम x, अब यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होता है, तो x का वैल्यू चूंकि मेरा 1 था, तो 1 प्लस 1 2, तो x का वैल्यू अब मेरा 2 हो गया। फिर यहाँ पे मेरा while लूप का कंडीशन चेक होता है, तो यहाँ पे अब मेरा x का वैल्यू 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, जी हाँ बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पर फिर से इंटर करता है, ये फिर से फॉल्स है, बिकॉज 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। अब उसके बाद फिर हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा, एल्स ब्लॉक का जो कोड है हमारा प्रिंट करना है लेस देन और इक्वल टू 3, हमारा प्रिंट होगा, फिर से इंक्रीमेंट, फिर से ये 3 हो गया वैल्यू, इंक्रीमेंट के बाद हमारा x का वैल्यू 3 हुआ, तो फिर से हमारा कंडीशन चेक हुआ, 3 इज लेस देन 5, जी हाँ ट्रू है। फिर यहाँ पे इफ का वैल्यू, इफ कंडीशन चेक होता है, अगर इफ हमारा 3 इज ग्रेटर देन 3, नो फॉल्स, फिर से हमारा एल्स ब्लॉक का कोड रन करेगा, फिर से हमारा इंक्रीमेंट, अगर हमारा x का वैल्यू 4 होता है, व्हाइल लूप का कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद हमारा इफ का कंडीशन भी ट्रू होगा, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसलिए हमारा आउटपुट हो रहा है ग्रेटर देन 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट।
ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट अ रनिंग लूप। ब्रेक स्टेटमेंट काम क्या करता है, कोई भी अगर लूप चल रहा है तो उसको रोक देता है। जैसे कि चलिए मैं दिखाता हूँ, उसको टर्मिनेट करने के काम आता है, उसको रोकने के काम आता है। तो चलिए करते हैं इसको, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लूप जो चल रहा है ये जब भी जब थ्री आए तो हमारा लूप जो ये लूप है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो इसको पहले ये किया, तो हम क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल्स टू थ्री ब्रेक, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मेरा x का वैल्यू 3 होगा हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 3। एक काम करते हैं इसको हम लोग x कर देते हैं ताकि हमको x का वैल्यू पता चले। आप आउटपुट देख सकते हैं 1 और 2, क्यों, क्योंकि हमारा x का वैल्यू शुरू में 1 था, कंडीशन ट्रू हुआ, ये इफ का कंडीशन हमारा फॉल्स था, इसमें चूंकि कोई एल्स नहीं था तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट काम किया। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद x प्लस 1 यानी x का वैल्यू 1 और प्लस 1 2, तो x का वैल्यू जब 2 हुआ फिर से कंडीशन ट्रू, फिर इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट काम किया, प्रिंट x यानी कि 2 प्रिंट होगा, फिर से हमारा इंक्रीमेंट होगा यानी x हमारा 2 प्लस 1 3, तो फिर से कंडीशन ट्रू व्हाइल लूप का। अब क्या हुआ कि हमारा इफ का भी कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा लूप ब्रेक हो गया। उसी तरह चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द करेंट इटरेशन एंड टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। कंटिन्यू कब यूज करते हैं, तो ब्रेक हमारा क्या किया, ये पूरा लूप को रोक दिया, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये एक इटरेशन को रोकेगा, यानी मतलब एक से अगर हमारा किसी वैल्यू पे एक बार रन कर रहा है इस तरफ से तो वो बस एक इटरेशन रुकेगा, उसके बाद फिर से वो चालू हो जाएगा। जैसे कि चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे हम एक करते हैं कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ होगा यहाँ पे हमको इस कोड को ऊपर करना होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये व्हाइल लूप में अगर ये चल रहा है तो हमारा इंक्रीमेंट अगर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कंटिन्यू क्या करेगा, इस इटरेशन को रोकेगा तो वापस ये व्हाइल लूप का कंडीशन चेक करने लगेगा। तो जब ये व्हाइल लूप का कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि हमारा फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नीचे रहता तो इसके बाद कंटिन्यू के बाद ये आगे नहीं जाता कोड रन करने के लिए, तो क्या होता कि हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, इंक्रीमेंट नहीं होता तो हमारा कोड इन्फिनाइट लूप में चल जाता। तो इन्फिनाइट लूप में होने के बाद मेरा खुद का ब्राउज़र चूँकि वो रुक जाता है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता कैसे होता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अपने पीसी में। तो चलिए अब करते हैं कंटिन्यू यूज़ करके, तो ये क्या हुआ, हमारा आउटपुट हो रहा है, ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पर 245 आउटपुट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप देखिए x इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब 1 जब ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो चूंकि 1 इज लेस देन 5 उसके बाद ही हम लोग इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, यानी x का वैल्यू हमारा 2 हो जा रहा है, तो जब ये 2 हो रहा है ये कंडीशन हमारा फॉल्स है अगला इफ का, तो इसमें तो इफ कंडीशन का ब्लॉक नहीं होगा रन, तो हमारा सीधा प्रिंट हुआ, तो इसलिए हमारा 2 प्रिंट हो रहा है, हमारा 1 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पहले ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अब एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन 5, तो जी हाँ बिल्कुल, अब हमारा x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, x का वैल्यू हमारा x प्लस 1 यानी 3 हो जा रहा है, तो हमारा if का कंडीशन भी ट्रू हो रहा है, तो if का कंडीशन में क्या है, हमारा कंटिन्यू यानी कि वापस ये लूप में ऊपर चल जाएगा। तो जहाँ पे ये कंटिन्यू जो हुआ ये वापस फिर while लूप में चल जाएगा, इसके नीचे का कोड या फिर इसके नीचे का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो नहीं रन करेगा। तो x इक्वल्स टू अभी 3 था, अब वापस यहाँ पर गया तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 तो 4, x में 4 गया, ये हमारा if कंडीशन फॉल्स हो गया, अब क्या हुआ हमारा 4 आउटपुट हो गया। अब उसके बाद फिर से ये while लूप चेक हुआ कि 4 इज लेस देन 5, तो जी हाँ ट्रू है, तो वापस x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 यानी x का वैल्यू हमारा 5 हो गया, वापस प्रिंट x यानी 5, तो ये हमारा 5 आउटपुट हो गया, और उसके बाद 5 होने के बाद 5 वापस while लूप का कंडीशन चेक होगा, 5 इज लेस देन 5 तो ये हमारा फॉल्स हो गया, तो ये while लूप से एग्जिट हो गया, उसके बाद
प्रिंट इंड। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है ये हमारा क्वेश्चन, टेस्ट टू स्किल्स, ये किसी भी नंबर को ऑड और इवन प्रिंट कर सकता है, तो आप इसको अपने कंप्यूटर में खुद से करके देखें और इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।